जयपुर से अब खबर। बगरू में युवक की हत्या से जुड़ा मामला आपको बता दें, वेस्ट जिला पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या का जो खुलासा है वो कर दिया। अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति सुरेश की हत्या की। पत्नी के अवैध संबंध के बारे में सुरेश को जानकारी और प्रेमी पूरण के साथ मिलकर पत्नी ने ये पूरी योजना बनाई थी हत्या की। पुलिस ने आरोपी पूरण और पत्नी को यहां से गिरफ्तार किया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। यादवेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता फिलहाल अधिक अपडेट के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। यादवेंद्र, किस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या विस्तृत जानकारी है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से डेड बॉडी मिली थी और लगातार जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला जारी था, उसी क्रम में बगरू में यहाँ पर एक युवक की जो हत्या की गई थी और उसके चेहरे पर पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, तो उसमें ये साफ प्रतीत हो गया था कि इस युवक की हत्या की गई है। मगर जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी के अंदर एक तस्वीर सामने आई जिसमें ये साफ प्रतीत हो रहा था कि जो युवक है उसको कोई शख्स अपनी कार के अंदर बैठा के लेके जा रहा है। और इन सब तथ्यों के आधार पर पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल की और जब मुख्य बात सामने निकल करके आई तो उसमें जो भूमिका सबसे ज्यादा पाई गई वो थी पत्नी की, और इसके अलावा उसका जो प्रेमी था पूरण महावर उसकी भूमिका इसमें पाई गई। चूंकि रात को ही पत्नी थी जिसने 10 बजे के आसपास उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट था उस पे कि अचानक 9 बजे तक पति नहीं आता है और अचानक एक घंटे बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देना तो अपने आप में एक शक पैदा करता है। तो वहीं से जो वेस्ट के जो एडिशनल एसपी है बदन सिंह शेखावत, उनकी कहीं ना कहीं शक्ति सुई उसके ऊपर थी और वहीं से जांच शुरू की और तब पता चला कि जो शख्स है जिसकी जो हत्या की गई जिसका नाम सुरेश कुमार शर्मा है, उसकी हत्या उसका जो उसकी जो पत्नी थी और उसके अलावा उसका जो प्रेमी था उसने मिल करके गई थी, जिसका नाम है पूरण महावर, जिसको फिलहाल बगरू थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और जब उससे पूछताछ हुई है तो पूछताछ के बाद उसने इस पूरे मामले का यहाँ पर जुर्म करना कबूल किया, जिसमें सामने आया है कि चूंकि जो उसका पति था वो कहीं ना कहीं रोड़ा बना हुआ था पत्नी के बीच में और बिल्कुल सोचे समझे ये साजिश पूरी। यादवेंद्र, पूरी सोची समझी ये पूरी साजिश थी, प्रेमी के साथ में मिलकर यहाँ पर जो पत्नी है उसने अपने ही पति की हत्या कर दी, लेकिन फिलहाल राहत की बात यह कि पूरे मामले का जो खुलासा है वो हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत सोची समझी साजिश थी, चूंकि पत्नी के और जो प्रेमी के बीच में एक रोड़ा बना हुआ था पति सुरेश कुमार। और सबसे अहम बात यहाँ पर मनीषा मैं आपको कहूंगा कि जो पत्नी और प्रेमी के बीच की जो भनक थी, जो उनके बीच में कई सालों से जो अवैध संबंध थे, उसकी जानकारी पति को लग गई थी, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आए दिन झगड़े होते थे, तो ऐसे में इन दोनों ने मिलकर के एक साजिश रखी। साजिश के तहत यहाँ पर जो प्रेमी है उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसके साथ मारपीट की और मारपीट करते हुए उसकी वहां पर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो आरोपी जो प्रेमी है वो यहाँ से शव को पटक करके फेंक के चला गया, क्योंकि पुलिस को गुमराह किया जा सके इसके चलते उसने शव को एक पार्क के पास में फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। मगर कहते हैं कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार जो बदमाश है जो हत्यारा है वो कहीं ना कहीं अपने सबूत छोड़ देता है, और यही एक सबूत था जो सीसीटीवी फुटेज का वही कहीं ना कहीं पुलिस को मिला, और सबूतों के आधार पर जो आरोपी है जो क्रिमिनल है ना जो हत्यारा है वो आज सलाखों के पीछे, और साथ में जो पत्नी है जो इसमें सह भागीदार रही है वो पत्नी भी अब पुलिस सलाखों के पीछे है, पुलिस के साथ है। यहाँ पर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है लगातार दोनों की इंट्रोगेशन कर रही है, इंट्रोगेशन के बाद सामने निकल करके आएगा कि इससे पहले इन्होंने किस तरह की पूरी साजिश की अंजाम दिया है, किस तरह की पूरी प्लानिंग की है, प्लानिंग के तहत इसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता यहाँ पर वेस्ट जिला पुलिस को इस पूरे मामले में मिली, जो आरोपी पूरण और जो पत्नी थी उसको गिरफ्तार यहां से कर लिया गया और पूरे मामले की तफ्तीश जो है फिलहाल जारी है। बगरू में युवक की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी।